नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के जन्म कुंडली विश्लेषण प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपने सुना या देखा होगा कि मैं कुछ और बनना चाहता हूं, लेकिन बन कुछ और गया। मैं बनना कुछ और चाहती थी, करना कुछ और चाहती थी, लेकिन सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां, परिवार की पोजिशन कुछ इस तरह की थी कि मेरी अपनी जिंदगी के अपने सपनों को मैं पूरा नहीं कर पा रही। यही दास्तान है एक बच्चे की, जिनकी उम्र इस वक्त 23 साल और 2 महीने की। ये एक बच्ची है जो कि इस वक्त बड़ौदा में रह रही है। सपना था कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं। परिवार की स्थिति कुछ इस तरीके की नहीं थी कि वो इतना पैसा फैशन डिजाइन में पेरेंट्स खर्च कर सके, तो इसने तय किया कि कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़कर आगे MBA करें। एक बार मुझे पहले मिली थी, तब मैंने कहा था तुम्हारे PhD करने के योग है। अब ये बच्ची के थोड़े से सपने बदल गए हैं। ये चाहती है कि अगर मुझे स्थायी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट जॉब से गुजर बसर कर लूंगी। दूसरा, पति अच्छा मिल जाए और मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए, ये कब और कैसे संभव होगा, ये इसका प्रश्न है। तीसरा, विदेश जाना चाहती है, अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो ये भारत से बाहर जाकर PhD करना चाहती है, क्योंकि यही बात मैंने भी कही थी और इसकी इच्छा भी है। पर चूंकि इस वक्त इनका भाई भी यंग एज में है और उसे भी पढ़ने के लिए विदेश जाना है, और माँ बाप दोनों में से किसी एक का ही खर्च वहन कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि वो बेटे में ज्यादा खर्च करना चाहेंगे, बेटी में उतना नहीं खर्च करना चाहेंगे। क्योंकि अगर बेटी इस वक्त पढ़ने बाहर जाती है तो 5 साल के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि PhD आसानी से होती नहीं, समय भी लगेगा। अगले साल इसकी पढ़ाई MBA पूरी होने वाली है, फिर ही ये जा पाएगी। तो बच्ची है जो इस वक्त 23 साल और समथिंग है, तो बाद में 28-30 साल में शादी होना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये भावर जाल में फंस चुके हैं। यहां पर जब कश्मकश हो जाए तो ज्योतिष, आध्यात्म और ईश्वर सबसे पहले है, हम लोग बाद में है। वहां पर एक गुहार लगाई जाती है कि शायद हमारे सपनों को साकार हम लोग कर सके या फिर कोई सुझाव दे सके। तो इसी कड़ी में आइए इस बच्ची की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके ग्रहों का खेल। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो ये 6 नंबर की कुंडली दिख रही है, यहां देखिए राहु और मंगल दोनों ही 6 नंबर विराजमान है। एक तो मंगल एनर्जी के लॉर्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन में, यंग है मंगल। दूसरे, लग्नेश बनते हैं बुध, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग, ये सारे काम बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध लग्नेश बनकर भाग्य स्थान में विराजमान है, जहां 2 नंबर लिखे हैं। वहां देखिए बुध और सूर्य दोनों ही 7वें विराजमान है, इसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। दूसरी बड़ी बात कि कन्या लग्न के अंदर भाग्येश बनते हैं शुक्र, यानी 2 नंबर के लॉर्ड शुक्र बनते हैं। शुक्र कौन है? शुक्र फैशन डिजाइनिंग और फाइनेंस दोनों के अधिपति है। तो कर्म स्थान जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर शुक्र विराजमान है। इससे क्या पता लगता है कि जो फैशन डिजाइनिंग का इसका सपना था, वो सपना भी पूरा हो सकता था, लेकिन उसे वो छोड़ दिया। बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में सपना 100% पूरा होगा, क्योंकि यहां देखिए शुक्र बुध के घर में विराजमान है और बुध शुक्र के घर में विराजमान है, भाग्य और कर्म का एक्सचेंज। तो ये लड़की बहुत लकी है। अब आपके 1-2 सपने अगर साकार नहीं होते हैं या 2-4 काम हमारे जिंदगी में पूरे नहीं हो पाते, तो क्या हम अपने आप को अनलकी मान लें? कतई नहीं, क्योंकि ईश्वर पर जब विश्वास है तो उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक तो ये बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, भाग्य स्थान के लॉर्ड जब कर्म स्थान में आ जाए तो मेरी नजर में 10th हाउस में शुक्र विराजमान है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए और इस पर प्रयास शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, साथ साथ में प्राइवेट जॉब के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करते जब जॉब मिल जाएगी, चाहे छोटे दम की होगी, और सपना और लक्ष्य पता है कि हमें कहां बढ़ना है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि दिसंबर 2021 तक हल्का फुल्का संघर्ष तुम्हारे रहेगा, क्योंकि शुक्र की दशा में राहु का अंतर है। 2021 के एंड के बाद तकरीबन 3.5 साल के लिए, यानी अगस्त 2024 तक तुम्हें रहेगी शुक्र की दशा में गुरु का अंतर। ये टाइम बहुत शानदार रहेगा करियर के लिए भी और शादी के लिए भी। विदेश जाने के लिए बात हम बाद में करेंगे, यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है और बैंकिंग सेक्टर आपके लिए 100% अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। लग्न में जो राहु मंगल का अंगारक दोष है और इसकी दृष्टि पड़ती है 12 नंबर,
जहां पर शनि और केतु का श्रापित दोष है, यहां पर शनि और राहु का भी दृष्टि संबंध है, श्रापित और पितृ दोष, ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल भावुक किस्म के लोग होते हैं। आजकल के जमाने की ऐसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, लेकिन ये बच्ची थोड़ी इमोशंस में आकर इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल दुनियादारी की समझ थोड़ी कमजोर होती है, उसमें इस तरह के जब योग बनते हैं तो धोखा बहुत होता है। तो आपकी कुंडली में पति के घर में ही इतने सारे दोष बने हुए हैं, इसलिए एक बात का ख्याल रखना, कुंडली मिलाए बिना और खानदान देखे बिना शादी की बात मत करना, क्योंकि धोखा हो सकता है। राहु मंगल का अंगारक दोष मैंने बताया, दूसरा मंगली है। यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आप पति के मामले में काफी लकी है, छोटा सा दोष है लेकिन वो बड़ा हो सकता है। क्या कैसे लकी हो कि जब 12 नंबर लिखे हुए इसके लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो पढ़ाई और संतान के घर में 10 नंबर जहां लिखा हुआ वहां पर विराजमान है, लेकिन गुरु और शनि का परिवर्तन राजयोग बनता है, जिस वजह से नीच भंग राजयोग बन जाता है। एक बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन चिंता मुक्त भी नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब है कि चिंतन करना चाहिए। अब मैं आपको एक दो पॉइंट आपकी नवमांश कुंडली के बताता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। यहां लग्न में ही आपकी कुंडली में शुक्र उच्चारोही है, शुक्र शनि और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, इस वजह से आपको करियर और अपने सपनों को साकार करने के लिए जो लक्ष्य आपने चुना है उसे पूरा करने में यह आपको मेहनत करवाएंगे। लेकिन अज्ञात भय, मानसिक अशांति, आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनना, डायरेक्ट तरक्की हो जाए बड़े लेवल की, वो नहीं करने देता है। स्क्रैच से शुरुआत करता है, हल्की से संघर्ष करवा के फिर ऑफिसर लेवल तक लेके जाएगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का यहां पर विष दोष है। नवमांश कुंडली में भी आप मंगली और राहु मंगल का ही अंगारक दोष है, एक बड़ा वीक पॉइंट है। केंद्र में सूर्य विराजमान है, वो भी करियर हाउस जहां पर 5 नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई जरूर करनी चाहिए। इसके चांसेस 2022 से लेकर 24 के बीच में, यानी 2.5 साल के लिए पीरियड है, स्पेशली 2023 और 24 बहुत अच्छा साल हो सकता है। जहां तक हम शादी की बात करते हैं, आपकी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस ना के बराबर है। अरेंज मैरिज, वो भी मंगली देखकर शादी करना, और उसमें भी 2022 के बाद इसका प्रयास करना, क्योंकि दिसंबर 2021 तक तो वैसे भी कोई योग नहीं है, लेकिन 2022 के स्टार्टिंग से आपको प्रयास करने चाहिए, 2022 और 23 शादी के लिए परफेक्ट है। जहां तक विदेश यात्रा की बात है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि लगन कुंडली के अंदर जैसे मैंने पहले देखा था, आपके 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य भाग्य स्थान में विराजमान है, और नवमांश कुंडली में जो 12th हाउस के लॉर्ड शनि है वो लग्न में विराजमान है। इसका मतलब विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, विदेश में योग पूरे बनते हैं। मैंने अपने ज्योतिष के करियर में 21 साल में सैकड़ों बार इसके बारे में जिक्र किया कि जिनकी कुंडली में राहु और शनि साथ में या दृष्टि संबंध होता है, वो लोग अगर प्रयास करें और 12th हाउस बहुत अच्छा हो तो निश्चित रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पढ़ाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा, विदेश जाके बसना, दूर दराज की यात्राएं करने का योग बनता है, वो भी आपकी कुंडली में। लेकिन धोखे भी मिलते हैं और लेटर एज में हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, ये सारी बातें मैंने पहले बहुत बार कही है। तो आपको बाकी सब चीजों को छोड़कर पीएचडी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और वैसे भी आप तो गुजरात से बिलोंग करती, बड़ौदा से, गुजरात और पंजाब में एक वरदान है ईश्वर का कि वो लोग विदेश जरूर जाते हैं, ज्यादा लोग जाते हैं, जाने के चांसेस उन लोगों के बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार दोस्त यार रहता ही है बाहर। तो आपके विदेश में शादी होना, शादी होकर विदेश में बस जाना पूरे चांसेस है। लड़का आपको बैंकिंग सेक्टर और मैनेजमेंट के सेक्टर का ही मिलेगा। दूसरी बात, मैरिटल लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई उस पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी फैमिली में ही शादी होगी और आपकी कंपैटिबिलिटी शानदार है, इसके लिए और उसको मिलान करना मेरे लिए जरूरी होगा। अंगारक दोष और श्रापित दोष की पूजा आपको तत्काल करवा लेनी चाहिए, इसमें अगर आपने पहले करवा ली तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी आप तत्काल करवाइए, जो करियर के लिए और आपके शादी के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। श्री गणेश चतुर्थशीष का पाठ करना तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेगा। 5.25 रति का पन्ना और अमेरिकन डायमंड पहनना आपके लिए 100% अच्छा रहेगा। कोशिश करो कि माँ और पिताजी के साथ जो हम रह रहे हैं, और भाई के लिए और अपने सपनों को साकार न होते हुए देख फैशन डिजाइनर के, थोड़ा सा जो सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट तुमने किया है, वो सूत समय तुम्हें बैंकिंग सेक्टर में ईश्वर देने वाले हैं। भगवान में विश्वास करना चाहिए, देर जरूर है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले करियर के लिए और हर चीज के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए इतना ही। प्रिय साथियों, अगर आप ऐसी या किसी और प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।